दोस्तों, सुमिता किचन में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। मेरा मन करता है कभी रसमलाई खाने का, तो चलिए हम बड़ी आसानी से आपको रसमलाई घर पे बनाना बताती हूँ। बहुत जल्दी बनने वाली रसमलाई है। अब चलिए दोस्तों, इसको बनाना कैसे है देखते हैं। चलिए दोस्तों, इस रसमलाई को हम बना के आपको दिखाते हैं इसको हमने कैसे बनाया है। सबसे पहले हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक पैन रख दिया। अब इसी गिलास के मदद से हम दो कप दूध से बहुत अच्छा बाजार जैसे रसमलाई बना के दिखाऊंगे, बहुत सस्ते में और बिल्कुल। दूध को हम बॉयल आने देंगे एक, उसके बाद में हम कुछ एक चीज मिलाएंगे जिससे हमारे थोड़ी से दूध में ढेर सारा रसमलाई तैयार हो जाएगी। देखिए दोस्तों, दूध में हमारा बॉयल आ गया। अब हम इनमें चीनी मिलाएंगे। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, आप कितना मीठा खाना पसंद करते हैं। देखिए दोस्तों, चीनी हमारा घुल गया है। अब हम इनमें इसी चम्मच की मदद से एक चम्मच चावल की आटा ले लेंगे। देखिए दोस्तों, इसी चम्मच की मदद से हम एक चम्मच चावल की आटा ले लेंगे। इसके जगह आप आटा भी मिला सकते हैं। अब हम पानी डालेंगे इसमें। पानी से हम इस तरह से घोल बना लेंगे, इसीलिए हम घोल बना रहे हैं ताकि हमारी जब हम इस दूध में मिलाए तो कोई लम्स ना रहे, घाटे ना पड़े। अब धीरे धीरे हम मिला देंगे। आटे को मिलाने से के बाद हम अच्छी तरह से चला लेंगे 2-3 मिनट, ताकि हमारा और गाढ़ा हो जाए। ये दोस्तों, 2 मिनट हमने बॉईल कर लिया। देखिए हमारा दूध गाढ़ा हो गया। अब हम इनमें कुटी हुई छोटी इलायची डालेंगे, इससे बहुत अच्छा खुशबू आता है। आप इसको जरूर डालें। और इसको बाजार जैसे कलर देने के लिए हम चुटकी भर हल्दी डालेंगे। अगर आपके पास कलर है तो आप कलर डाल सकते, नहीं तो हल्दी डालिए, बहुत अच्छा कलर आएगा, बिल्कुल बाजार जैसा। अगर ये नहीं डालना चाहते तो आप केसर भी डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने मिला दिया सब। देखिए कितना गाढ़ा हो गया, और ठंडा हो जाएगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। अब हम गैस को बंद कर देंगे। आप सोच रहे होंगे चावल के आटे से कैसे बनेगा, कितना कैसा टेस्ट है, आप एक बार जरूर बना के देखिए। इसमें कोई बाजार की रसमलाई और घर इसमें कोई अंतर नहीं दिखेगा आपको। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हम ठंडा करेंगे। हमने 4 ब्रेड ले लिया। अब इस ब्रेड को हम किनारे को काट देंगे। इसी तरह से आपको किनारे को काट लेना है। हमें ये हिस्सा चाहिए। अब इसको अलग रख देंगे। देखिए दोस्तों, इसी तरह से हम ब्रेड को काट लिया। अब हम एक प्लेट में दूध निकालेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही डालिए। अब इस दूध में हम डुबो लेंगे, इसी तरह से निचोड़ना है। अब हम इनमें काजू बादाम और पिस्ता ने कूट लिया, अब वो इसके अंदर भरेंगे। आप अगर भरना चाहे तो भरे, नहीं तो कोई बात नहीं, अब ऐसे भी बना सकते हैं। इसी तरह से हम बना लेंगे। इसी तरह से आप गोलाई में बना लीजिए। हमेशा रसमलाई ने चपटा होता है, इसी तरह से दबा दीजिए।
बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। अब उन्हें आराम से कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हमने बना लिया। देखिए इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। देखिए दोस्तों, इसी तरह सारे रसमलाई को इसी तरह से हम बना लिया। अब हम इसके ऊपर जो हमने मलाई बना के रखी वो डालेंगे। ये भी हमारा ठंडा हो गया। अब जब भी सर्व करें तो इसको ऐसे बना के रख दें, संग की संग आप इस मलाई को मत डालिए, तो इससे टेस्ट खराब हो जाएगा। अब संग जब भी परोसे तभी डालें इसके ऊपर। देखिए दोस्तों कितना गाढ़ा हो गया। इसी तरह से डाल दीजिए। देखिए दोस्तों, लग रहे हैं ना बिल्कुल बाजार जैसा। इस रक्षाबंधन पे आप घर पे बनाइए, अगर आप रिश्तेदार को भी खिलाएंगे वो भी आपकी तारीफ करते थकेंगे नहीं। अब हम कुछ जो ड्राई फ्रूट से थे वो अब इसके ऊपर सजा देते हैं, थोड़ी सी डाल देते। आपका जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा रसमलाई अब रेडी है। अब मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ, ये कितना सॉफ्ट बनी है। देखिए दोस्तों, देखिए कितना नरम है। देखिए आप एक बार इसी तरह से जरूर ट्राई करें। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।